ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से मशहूर शहर जोधपुर एक काफ़ी खूबसूरत सिटी है, जहां पर आप एक खूबसूरत परंपरा संस्कृति धरोहर को बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे। दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जोधपुर, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि वास्तव में भी कोई ऐसी जगह है। जोधपुर जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण इस शहर को दो उपनाम सन सिटी और ब्लू सिटी मिले। सन सिटी नाम जोधपुर के चमकीले धूप के मौसम के कारण दिया गया, जबकि ब्लू सिटी नाम शहर के मेहरानगढ़ किले के आसपास स्थित नीले रंग के घरों के कारण दिया गया। तो मैं ले चलता हूँ आपको आज खूबसूरत पहाड़ों, दुर्ग, किलों, मंदिरों के बीच। चलिए मेरे साथ यात्रा करिए जोधपुर की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर। आज हमारा दूसरा दिन है और पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मेहरानगढ़ फोर्ट और थोड़ा क्लॉक टावर, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करी। आपको मैंने अपना स्टे भी दिखाया। सो अभी मैं जा रहा हूँ, सेकंड डे है, स्टार्टिंग कर रहे हैं बिश्नोई विलेज से। सो क्या खासियत है वहाँ की, वो आपको मैं रास्ते में बताऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ, ये एक्चुअली जीप के थ्रू जाना होता है, एक दूर रहता है पूरा 4-5 घंटे का। तो सारा इसकी डिटेल्स मैं आपको रास्ते में देता रहूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इंटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विलेज टूर रहने वाला, टिपिकल विलेज के अंदर जाएंगे, उनका सारा रहन सहन, खाना पीना देखेंगे, क्या काम करते हैं वो ये भी देखेंगे। तो अभी मैं जीप पर चलता हूँ, मैं आपको उसके बाद आगे का सारा बताऊँगा और दिखूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम काफ़ी अंदर हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा जंगल ही है। यहाँ पर एक्चुअली ब्लैक बक को ढूंढने हम आए हैं, फ़ोटो तो मैं खींच पाया। काफ़ी सेंसिटिव जानवर है, ज़रा सी उसने हमारी आवाज़ सुनी और वो यहाँ से इतनी स्पीड में भागा कि मौका ही नहीं मिला, पर एक आध फ़ोटो मेरे पास आ गई थी। अभी देखते हैं, आगे भी कोशिश करेंगे, अगर दिखता है तो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी अंदर होता है तो गोप्रो या नॉर्मल कैमरे के अंदर वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा। जूम लेंस का उपयोग करा भी था तो फ़ोटो तो क्लिक कर पाया, लेकिन जब तक वीडियो बनाने की सोची वो निकल गया। तो कोई नहीं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी अंदर हम आए हैं तो अच्छा सा एक्सपीरियंस लग रहा है ये भी। और अभी चलते हैं, भैया हमारे वहाँ खड़े हैं, गाड़ी अंदर आ नहीं सकती थी, काफ़ी ऑफ रोड करके हम अंदर आ चुके हैं। तो देखते हैं आगे भी, काफ़ी अच्छा टूर है ये। सो मस्ट रिकमेंडेड है बिश्नोई अगर आप जोधपुर आते हैं। और रही बात पैसों की, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना खर्चा आएगा। सो मेरा है 1200 पर हेड, यानी कि आरती मेरा मिला के 2400, और प्लस जो है गर्व का आधा 600 रुपये बच्चे का बोला था। सो बारगेनिंग करके 300 रुपये मैंने और कम करा लिए थे, तो बारगेनिंग कर लीजिए 1000 रुपये तक में भी वैसे ये टूर आपको आराम से पर हेड मिल सकता है, जिसमें आपको ये राजस्थानी अपने घर में, ये मुझे भैया लेके जाएंगे, वहाँ पर कुछ राजस्थानी खाना भी खिलाएँगे। सो चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग देखने। सो अगर आगे और कुछ नज़र आता है तो आपको दिखा देंगे। सो हमारी ये थी ना जीप, मैंने आपको जीप नहीं दिखाई थी, यहाँ इसमें हम सफारी कर रहे हैं, और ये रहे हमारे ओम जी, अभी तक काफ़ी बढ़िया घुमा रहे हैं, मज़ा आ रहा है इनके साथ। आगे भी ऐसे ही घुमाएंगे, आगे भी ऐसे ही घुमाएंगे। हमने थोड़ा रुके थे, चाय पी ली, और अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, ये जिलानी हैंड ब्लॉक प्रिंट। यहाँ पे एक्चुअली में ट्रेडिशनल डिज़ाइन प्रिंटिंग, जो हैंड ब्लॉक की प्रिंटिंग होती है बेडशीट वगैरह पे, वो दिखाई जाएगी। अच्छा, तो ये कलर है जी हल्दी, बाजरे का आटा और नमक, तीनों को पानी के अंदर मिक्स करके इसको, और फिर इसके ऊपर ये मड और गम दोनों को मिक्स करके वापस इसके ऊपर प्रिंट करेंगे लाल कलर पर। तो अभी ये जो मड है ये लाल कलर को कवर करेगा, कैसे कब इसको इंडिगो कलर में डिप करते हैं, इंडिगो यानी ब्लू कलर, और बाहर निकाल के इसको वापस वॉश कर दिए। यही जो प्रिंटिंग प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं दाबू प्रिंट।
दाबू ये नहीं जो मिट्टी से करते हैं, और ये ओनली फॉर हमारे यहाँ का लोकल एरिया है ये का। लेकिन पहले जब हमारे मम लोग यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी होती थी, उनके अलग अलग पैटर्न होते थे, वो प्रिंट करते थे, लेकिन वो अब धीरे धीरे बंद हो गया, इसलिए हमने बैट्स वगैरह का काम शुरू किया। और ये सब अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिनसे हम अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। नॉर्मली एक जैसे डबल बेड का सीट होता है उसमें तीन दिन लगता है, तीन दिन बनाने में एक बेड का, डबल बेड का। उसको सबसे पहले जैसे व्हाइट है, व्हाइट कपड़ा रहता है पूरा, दाबू करना होता है तो मिट्टी लगा देते हैं, फिर कोई भी कलर में डाई कर देते, और अगर वापस रीप्रिंट करना होता है तो उसके ऊपर वापस वही कलर का ब्लॉक प्रिंट कर देते। इस डिजाइन में 6 दिन लगते हैं। अच्छा, 6 दिन। ये भी आपने हाथ से करा हुआ है? नमस्कार जी। तो ये देखो भैया, यहाँ पे क्या नाम है भैया आपका? ये मिट्टी यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर गांव है मोकलसर, जो पड़ता है बाड़मेर जिले में, वहाँ से लेके आते हैं। तालाब की मिट्टी है और इसके अंदर हम मिक्स करते हैं चूल्हे की राख, लकड़ी का बुरादा, दो चीज़ इसके अंदर डालते हैं मजबूती के लिए। अच्छा। और जो ये काम है हमारा है तो हजारों साल पुराना, बट जो हमारी फैमिली है करीबन 350 साल से हमारे काम ये करते हैं, हमारी परिवार 350 साल। और जो मैं कर रहा हूँ ये 13-14 साल से कर रहा हूँ, तो हमारा काम जनरेशन टू जनरेशन चलता है। ये व्हील अपने वैल्यू व्हील है, इसके नीचे कोई बैरिंग नहीं, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है जी, ये ओनली एक लकड़ी के ऊपर चलता है, इस वुड के ऊपर। अच्छा। तो ये वुड है, इस वुड पे के अंदर फिट हुआ हुआ स्टोन जमीन के अंदर फिट होता है, फिर छोटा सा ये पॉइंट है व्हील के नीचे इतना सा, उसके ऊपर टिक कर ऐसे घूमता रहता है ये। अच्छा जी। इसके अंदर फिट होता है फिर ये घूमता रहता है इतने पे। और जो व्हील का वजन है वो है 100 किलो। इस व्हील का वजन है, ये बना हुआ है सीमेंट और कंक्रीट का। तो ये सब आप ही ने बनाया हुआ है सब कुछ? इसी इसी से बनता है सब? अच्छा 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 अच्छा। सो यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे इनके हाथों से बनाए हुए हैं। वो बिग साइज वो 300 जो है कॉफी मांगे दही के लिए है ये कॉफी मांगे। ये कितने का? ये 250 रुपये माइक्रोवेव शेप है। कैसे मिट्टी का है? तो मिट्टी इसमें ग्लेस की माने। अच्छा, पॉलिश है। और ये भी माइक्रोवेव 200 का। राम राम जी। राम राम। अंदर घूम के फोटो वीडियो वगैरह लेना है तो पहले ले लीजिए आराम से। हाँ जी, हाँ जी। ये इनके घर वाले हैं, मैं इनकी वाइफ है और ये घर की मालिक है। अच्छा अच्छा। सर ये देखिए इनका स्टे है, ये कैसे बना हुआ है हट वगैरह, यहाँ खींचो ना हट के साथ बाहर। किचन इनकी, चूल्हा देखिए यहाँ पे, बिश्नोई फैमिली का चूल्हा। बिश्नोई फैमिली है ना, बेसिकली
बेसिकली इन्हें जानवरों से काफ़ी लगाव होता है। सो जो सलमान खान का केस था वो आपको पता ही है, इन लोगों की तरफ से किया गया था, और हिरण वगैरह और एनवायरनमेंट, पेड़, इन सब की सुरक्षा करते हैं लोग। हमारे भी सुरक्षा करते हैं। हाँ, सबकी सुरक्षा करते हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, देखिए कितने मीटर की होगी, 9 मीटर की है, बताओ। अरे फटाफट बनने वाली है, पता नहीं चलता है 9 मीटर का है। वो देखिए बांधनी अभी आप गांव से लग रहे हो। ओए हो, अब वो खंबागनी बोल, खंबागनी। तो दोस्तों कैसा लग रहा हूँ देखो, ये मेरा राजस्थानी लुक, और ये रही सेठानी मेरी, मैं सेठ, ये सेठानी, और ये हमारे मोर के पंख, ये ओम जी भी लेके बैठ गए, पीकॉक फैदर। हम तो राजस्थान से हैं तो हमें सब कुछ मालूम है, तो भी पीकॉक का फैदर हाथ में है। सही बात है, पीकॉक का फैदर इतना कीमती है कि पूजा में भी काम आता है। मज़ा आया, काफ़ी मज़ा। तो दोस्तों ये बिश्नोई फैमिली से मुलाकात हो गई, अब हम चल रहे हैं ओम जी के घर, जहाँ पे हम खाएंगे चूल्हे का खाना। ये हमें चूल्हे का खाना खिलाएंगे, चूल्हे पे खाना बनवाएंगे, बाजरे की रोटी मिलेगी, लहसुन की चटनी, कड़ी, प्योर राजस्थानी ऑर्गेनिक फूड, असली वाला ऑर्गेनिक। अच्छा ऑर्गेनिक भी है आपका खुद का खेती बाड़ी, ऑर्गेनिक फूड, वो भी टिपिकल ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड। चलिए चलते हैं, बैठते हैं। तालावास, ये हमारा होम, और ये ओम जी का ही होम स्टे भी है यहाँ पे, मतलब आप आके स्टे भी कर सकते हैं। सो रूम वगैरह भी, इनके रूम देखेंगे। अभी रूम का 2500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, 2500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पर हेड, पर पर्सन, दो लोगों के लिए 2500 रुपये विद ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पर हमारे लिए बनेगी बाजरे की रोटी, बाजरे की बनाओगे ना इसी चूल्हे पर। जी दोस्तों हमारे यहाँ की बहुत फेमस है, आप लेंगे, आपको अभी लेना, अभी लेना सब कुछ है। खाना फूल दबा के खाना, अच्छा जी दबा के खाते हैं, यही खाएगी दबा के भी नाश्ता। लो जी दोस्तों ये आगे देखो बाजरे की रोटी है, ये आई राजस्थानी कड़ी, और ये है शिमला मिर्च, और वो
और चटनी। चटनी की चीज़ की है लहसुन की चटनी, ये दोनों खा रहे हैं। तो आरती ने करा टेस्ट अभी, आ हा कह रही आ। तो चलो यार अब मैं भी खाता हूँ। सो लो जी अब यहाँ पे देखो ये दरी बना रहे हैं, ये ओम जी बैठ गए यहाँ पे, इनका खुद का काम है। ये हमारा मैम काम है, काम है। अच्छा तो इस काम का हम बोलते हैं इंटरलॉक व्यूइंग। इंटरलॉक व्यूइंग इंटरलॉक में इस थर्ड वीक में हर जगह पर जो लॉक होता है उस लॉक को बोलते हैं इंटरलॉक। इसमें अब दो पार्टी के अपर एंड लोअर, जैसे कि इस जगह को हमने बाहर निकल इस जगह को अगर जब मैं इसको तो कितना इजीली बाहर निकल जाता है, तब यहाँ पे लॉक डालने में ताकि बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ये वाला पटन का है, अच्छा पटन के अंदर दो तरह के कलर है, होता है नेचुरल एंड वेस्ट ब्राइट कलर। दूसरा हम कलर यूज करते हैं जो है आज फ्री का ऑप्शन है आज फ्री। तो ये छोटी वाली को इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? इसको तो इसको बनाने लगभग 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन एक ये बंदा काम करता है। अच्छा इस पे एक ही में हो जाता है, ठीक है। हां इसको हम करके दे जिसके तरफ लोग के लिए वॉल लाइन के लिए लोग करते हैं इसके लिए छोटा साइज वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स ये इनका एक रूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टे भी होता है। ये देखिए ऐसे इन्होंने बना रखा है यहाँ, ये देखा वो कह रहा है बाथरूम इससे भी बड़ा है। अरे बाबा रे, और आप ये देखेंगे ना अगर इनका बाथरूम, सही बात है काफ़ी बड़ा है। ये देखिए यहाँ पे आप पेंटिंग वेंटिंग और रखे सारा काम और रखा है, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, छोटू भी मिलेगा आपको वासुदेव। ओवरऑल जो पूरा टूर था वो हमारा वैसे खाने के साथ यहाँ पर और एंड होता है, उसके बाद इनका अपना वीविंग का था वो उन्होंने दिखाया। सो आई थिंक जोधपुर आ रहे हो तो हाफ डे यहाँ पर बनता है यार, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है क्योंकि टाइम भी लगा है। सुबह करीब 7:30 बजे के हम निकले हैं, 11:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो ठीक है। आप यहाँ देखिए इनके रूम्स, और ये मेरा छोटा फोटोग्राफर मिस्टर गर्व ओबराय को आप जानते ही हैं, काफ़ी फ़ोटोज इसने भी खींची हैं। सो अगर आप फोटोज वगैरह मेरी गैलरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ मैं डालता हूँ, काफ़ी कुछ ऐसा भी होता है जो वीडियोज़ में नहीं आता वो वहाँ पर डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और डिटेल्स आपको चाहिए कि आप कैसे जोधपुर का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, इसका कैसे बुकिंग ले सकते हैं, इनका अगर नंबर चाहिए होगा तो आप इंस्टाग्राम पर मैं आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में सोचा था डाल दूंगा, लेकिन कुछ लोग फिर अननेसेसरी कॉल्स करते हैं, जो बहुत जेन्युइन होंगे वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, या फॉलो नहीं भी करेंगे तो वैसे ही पूछेंगे, तो मैं सब चीज़ें बता देता हूँ यार, कोई चार्जेस नहीं है, पूरी हेल्प आपको मिल जाएगी, पूरा प्लान आपको मैं बता सकता हूँ जोधपुर का एक बार मैं घूम लूँ, तो कोई टेंशन नहीं है, भेजिएगा आप मुझे फॉलो करिए। सो इतना ही था मेरा अभी बिश्नोई ट्रिप से, आई होप आपको ये वाली जो मेरी जर्नी बिश्नोई विलेज की रही काफ़ी पसंद आई होगी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या लगा, मैंने आपको जो कुमार फैमिली दिखाई बिश्नोई फैमिली दिखाई या यहाँ पे स्टे जो दिखाया आपको और यहाँ पे जो खाना खाया व्यूइंग दिखाई, उसमें क्या अच्छा लगा आपको अभी तक का पार्ट? ब्लैक बक भी देख पाए, हल्की सी झलक मिल पाई क्योंकि वो बहुत रेयर होता है। सो अभी आगे भी हमने जोधपुर में घूमना है, इसलिए बने रहिएगा चैनल पे, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको अगली वीडियो की भी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।